शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंगलवार को संत रविदास सभागृह सोमा रिकॉर्डर बुधवार बाजार में निशुल्क महाशिविर का आयोजन किया गया। अवसर था बीटीपी ग्रुप के संचालक सिराज शेख के जन्मदिन का। इस दौरान शिविर में ब्लड डोनेशन कैंप और अन्य स्वास्थ्य जांच भी आयोजित की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशा निर्देशों के तहत इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सिराज शेख हर साल अपने जन्मदिन के अवसर को इसी तरह से खास मनाते हैं। वह हर साल इसी तरह से जरूरतमंदों के लिए शिविर का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम का सूत्र संचालन रत्नाकर मलिक ने किया। सभी अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। सिराज शेख ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, मन में लगन होनी चाहिए और सफलता की शुरुआत छोटी ही होती है, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। 15 साल के ऊपर हो गया हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं अपना मेरे जन्मदिन पे। इसके पहले भी हमने काफ़ी इवेंट किए हुए और ये हमारा सबसे बड़ा योगदान इसमें प्रशांत बन्ना के और इमरान शेख का है। ये हर साल छोड़ते नहीं भैया, करना है। कि इस बार तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये कोरोना के चक्कर में, लेकिन भैया बोले हम कर लेंगे, कम लेवल पे करेंगे लेकिन करेंगे। तो बोले इसको परंपरा को तोड़ना नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस साल भी हम लोगों ने हिम्मत करके फिर कर ही लिया। और उद्देश्य हमारा कोई ऐसा राजनीति नहीं है, हम लोगों का सब है कुछ करना है। भगवान ने इस दुनिया में लाया है, अगर कुछ अपने को दिया है 2 पैसे तो 2 पैसे खर्चा करना है गरीबों के लिए, ये हमारा उद्देश्य है। और हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम 12 महीने कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, जो पॉसिबल है वो उस देख समझ के हम लोग सभी की मदद करते हैं। महाशिविर में जनरल चेकअप, IEC सामग्री वितरण, आयुष संजीवनी ऐप की जानकारी, निशुल्क आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी, आई चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग आए और कार्यक्रम को लोगों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। मैं चश्मे के लिए आया था बेटा, मगर वो बाकी चेकिंग भी हो गई, दवाई ले आ गोली वगैरह। चेकअप अच्छा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग में हुआ और जो अपने अपनी तकलीफ बताई उस हिसाब से दवा पानी भी मिला। मास्क लाना है, सगड़े लाना है, बराबर ये स्थिति रहे, दवाई बराबर, डॉक्टर बराबर देता है, डोरी तपास रहता है। हमारी संस्था हमेशा सामाजिक कार्य करती है। आज हमें पता चला कि सिराज भाई का जन्मदिन है तो हमको तो बहुत खुशी हुई। और इतना बड़ा कैंप जो उन्होंने रक्तदान शिविर लगाया, यह बहुत बड़ा समाज सेवा का काम है, क्योंकि कोरोना वायरस में अभी रक्त की बहुत कमी है जो कहीं से भी नहीं मिल रहा है, और ऐसे समय में रक्तदान कैंप लगाना ये बहुत बड़ी बात है। सिराज भाई का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और उनको हमेशा कामयाब रखे, ऐसा ही हम ईश्वर से दुआ करते हैं। तर सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं आणि करून घेतलं, सॅनिटायझरचा उपयोग पण करून घेतला, लोकांना मास्कचा उपयोग करायला लावला, रजिस्ट्रेशन, औषध देणे, सगळ्या गोष्टी त्यांनी एकदम मस्त केल्या। इस कार्यक्रम में हेल्थ चेकअप कॅम्प केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित, आयुष मंत्रालय के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी द्वारा किया गया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। ब्लड डोनेशन के लिए लाइफलाइन ब्लड बैंक ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख अतिथियों ने भी सिराज शेख को जन्मदिन की बधाई दी और उनके सामाजिक काम की सराहना की। आज या ठिकाणी सिराज भाई शेख यांचा वाढदिवस होता, तो वाढदिवस त्यांनी अनोख्या पद्धतीने साजरा केला। या ठिकाणी आरोग्य तपासणी शिबिर ठेवले आणि लोकांना मोफत चष्मे वाटप, डोळे तपासणी, एक वेगळ्या पद्धतीने वाढदिवस त्यांनी साजरा केला, आजचा ठेवला। त्यामध्ये त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगची खास करून पालन केलं गेलं, लोकांच्याकडूनही पालन केलेलं गेलं। इथले प्रतिष्ठित नागरिक, व्यक्ती, आमदार आणि नगरसेवक या ठिकाणी हजर होते। तर आम्ही पोलीस विभागाच्या वतीने असे चांगले कार्यक्रम घेतले जातात। वाढदिवसाला थोडासा बॅनरबाजी न करता वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढदिवस साजरा केला, त्यामुळे त्यांना पोलीस विभागाच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि असेच कार्यक्रम व्हावे ते जनतेच्या सेवेसाठी, असं मी एक आपल्याला अपील करतो। आज यहाँ पर सिराज शेख जी का जन्मदिन मनाया गया। वो ऐसे कर्मठ व्यक्ति है जिनके जीवन में काफ़ी, जिन्होंने जीरो से हीरो बने,
हीरो से हीरो तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत लोगों का भला किया और एक ऐसा समाज कार्य किया जिसमें आज भी इनकी पैठ है, समझ है और उनका एक अपना नाम है। आज जिस तरह से मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत ही सुनियोजित तरीके से यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर गोविंद रेड्डी यहाँ उपस्थित है जो आयुष मंत्रालय के हैं, उनकी देख रेख में, और श्री माने जी आए थे यहाँ पर अभी, PI यहाँ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, उनकी देख रेख में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को, इस सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड की महामारी के वजह से जिस तरह लोगों में डर का निर्माण था, उस डर का डर निकाल कर जिस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और सुविधा के साथ जो कार्यक्रम किया, मैं सही में बधाई देता हूँ सिराज शेख और उनकी टीम को कि इस तरह से इस महामारी के समय जिस ढंग से, जिस सुविधा के साथ और डॉक्टरों की टीम के साथ, जैसे आयुष मंत्रालय के गोविंद रेड्डी जी यहाँ मौजूद थे, इस एरिया के थानेदार मौजूद थे, इस एरिया के आमदार मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सबका इलाज यहाँ चल रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको वो चिरायु हो, उनको बहुत भगवान लंबी उम्र दे और इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे, उनको पुनश्च जन्मदिन की शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज आमचे मित्र सिराज भाई यांचा वाढदिवसानिमित्त खरोखर एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। रोगनिदान शिबिर असेल, रक्तदान शिबिर असेल, पूर्ण हेल्थ चेकअप चा कार्यक्रम आज सिराज भाईच्या वाढदिवसानिमित्त घेतलेला आहे। खरोखरच एक समाजाचा प्रति एक सामाजिक कार्य म्हणून काम करणारे असे व्यक्तिमत्व असलेले आमचे सिराज भाई यांना मी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि असे सत्कर्म त्यांच्या हातून व्हावं अशी प्रभूजनी प्रार्थना करतो। अभी जिस तरह हर साल पापा के जन्मदिन पे जो भी बर्थडे पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ब्लड डोनेशन और कोरोना केस में जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है, इस साल हर साल भी इस तरह किया जाएगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया है इस चीज़ के और मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उनको हर तरक्की मिले, अल्लाह करे उनको हर तरक्की मिले ज़िंदगी में, उनको बहुत बहुत खूब कामयाबी मिले, बहुत बहुत जन्मदिन की उनको शुभकामनाएं। कार्यक्रम में विधायक मोहन मते, गिरीश पांडव, कांग्रेस के प्रमुख सचिव रामकिशन ओझा, नगर सेवक सतीश होले, पुलिस निरीक्षक माने, मजहर शेख, दाऊद भाई शेख, प्रकाश ठाकरे, रियाज शेख, अल्ताफ शेख, फैजान शेख, मुस्ताक भाई शेख प्रमुखता से उपस्थित थे। सिराज शेख हमेशा से ही सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रसर रहे हैं। वह अपने जन्मदिन को इसी तरह से सादगी से और सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए मनाना पसंद करते हैं। इन्हीं तरह के लोगों से जरूरतमंद लोगों में उम्मीद अब भी कायम है। NBCN की ये थी खास रिपोर्ट।